तो और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया होंगे ना? तो भाई आज के सुडा के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी थिंग्स के बारे में जो कि WWE के अंदर 2021 के अंदर होगी होगी या फिर होनी चाहिए और होने ही वाली है। तो गाइस ऐसी थिंग के बारे में बात करेंगे, पर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और गाइस काफ़ी बड़ी बात, आज है नया साल 2020-21। हाँ गाइस 2020 साल तो काफ़ी लोगों के लिए ख़राब ही रहा, और गाइस हमारी यही शुभकामना है कि 2021 भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साल बीते। आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में रहो और अच्छे रहो। और हाँ भाई गाइस, आपको हमारे चैनल का नया इंट्रो कैसे लगा? भाई मैंने सोचा क्यों ना नया चैनल तो यार नया साल है तो गाइस नया इंट्रो भी बना लिया जाए, तो इसलिए गाइस मैंने जो है यहाँ पर नया इंट्रो भी बनवा दिया। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है वो इंट्रो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहली थिंग जो कि WWE 2021 में हमें 100% देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी ऑडियंस की रिटर्न। हाँ गाइस कोरोना की वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, और कोविड के समय पर कोई जो है WWE ने फैंस को नहीं बोले। हाँ शुरुआती शुरू जो है पहले तो थोड़े फैंस बुले थे, पर गाइस फेसबुक ने सोचा बाद में थंडरडोम वाले भी उन्होंने स्टिपुलेशन लगाई, इसलिए बट गाइस 2021 के अंदर उसमें जितनी भी चाहे बहुत ज़्यादा कोशिश करके लाएंगे ही लाएंगे ऑडियंस। नेक्स्ट थिंग होगी वो थिंग देखने को मिली गाइस रूमर्स के कंधों के ऊपर 2022 की शुरुआत तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप। हाँ गाइस आई थिंक रूमर भी मानी जा रही है, और ये गाइस मेरे ख्याल से होनी ही चाहिए गाइस। और जो रोमन रेंस उनको डोमिनेंट से मतलब हील से भी ज़्यादा गाइस जो है ये काफ़ी तगड़ा पुश दिया जाए कि जो कि ब्रॉक लेसनर आज तक कोई ऐसा मतलब हील सब कुछ सारे नहीं रहा, जब से रोमन रेंस ने गाइस टर्न अपना छोड़ा और हील कैरेक्टर निभाए उनसे तो गाइस उनका जो है मोमेंटम कितना अच्छा रह गया। उनको फेस में भी इतना अच्छा नहीं हुआ था, और उन्होंने क्या हील के अंदर काम किया आज तक WWE के किसी भी सुपरस्टार ने तो काम ही नहीं किया होगा गाइस। और गाइस नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी यहाँ पर रूमर रेस वर्सेस द रॉक के बीच एक WWE को मैच करवाना ही चाहिए। हाँ गाइस रूमर रेस वरना रॉक एक WWE का ऐसा मनी मैच है, और गाइस ऐसा एक मतलब WWE को उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर स्टोरी लाइन का भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि जियोस और रूमर की पिछले बार राइवलरी हुई थी, रॉक रॉयल रंबल पर भी रिटर्न कर अपनी जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेल करके रूमर को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं मेन इवेंट के लिए। जैसे मैंने था 37 के अंदर देखना पड़ेगा गाइस क्या होते हैं, रॉक आते या फिर नहीं देखना पड़ेगा, वो तो काफ़ी बिजी रहते हैं। नेक्स्ट थिंग जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी रूमर के मैच गाइस रूमर रेस वरना गोल्डबर्ग WWE को मेरे ख्याल से होकर ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि गाइस इनका मैच अभी नहीं हुआ तो गाइस कभी होंगे गाइस। मतलब आप देख लो कि अभी गोल्डबर्ग की ज़्यादा काफ़ी उम्र हो जा रही है, वैसे भी वो छोटी छोटी मैचेस जीतते हैं, और गाइस रूमर रेस अपने मोटे मोटे लंबे लंबे मैचेस के लिए तो काफ़ी बढ़िया जाने जाते हैं उनके अलग अलग न्यू सेट से। तो इस देखना पड़ेगा WWE को क्या करना है इनके बीच, एक नया मतलब कौन सा जो है चैंपियन यहाँ पर मतलब मैच करना है। नेक्स्ट थिंग जो देखने को मिलेगी वो 100% देखने को मिलेगी गाइस वो देखने को मिलेगी शार्लेट फ्लेयर रॉ वुमेन चैंपियन। हाँ गाइस शार्लेट फ्लेयर के नंबर के ऊपर, और मेरे ख्याल से दो बार यहाँ पर जो है बढ़ती हो सकती है शार्लेट फ्लेयर, और भी एक बार रॉ वुमेन चैंपियन स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन सकती है, और गाइस यहाँ पर जो है अपनी नंबर्स के अंदर और ज़्यादा एक दो नंबर ऐड कर सकती है। नेक्स्ट थिंग देखने को मिलेगी वो हमें देखने को मिलेगी गाइज रोमन रेंस का हील टर्न 2021-22 के बाद भी। हाँ गाइज WWE को ये थिंक करनी ही चाहिए गाइज, क्योंकि रोमन रेंस जो अभी हील कैरेक्टर के अंदर ऐसा किरदार निभा रहे जिन्होंने WWE के अंदर आज तक किसी ने भी ऐसा किरदार जो है निभाया नहीं था, खास करके विंस मैकमैन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है रोमन रेंस हील कैरेक्टर्स का ज़्यादा फायदा पहुँच रहा है। रेटिंग से रोमन रेंस अब अच्छी खासी ला रहे, अच्छी खासी तो ऐसी तो रेटिंग लाई नहीं थी कभी कभार। रॉक व्यूवरशिप देख रहे हो आप गाइस काफ़ी लो चलो जा रही है, पर गाइस जो स्मैकडाउन के रेटिंग वो हमें ट्रैवल जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंस के जो है एक अलग ही स्मैक रहता है और उनका एक अलग ही मैच रहने का खेलने का कंटेंट रहता है, और गाइस रोमन रेंस जो है यहाँ पर स्मैकडाउन की ऐसी रेटिंग बढ़ाएंगे और गाइस रोमन रेंस यहाँ पर अपना ही कैरेक्टर यहाँ पर निभाते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमको 100% देखने को मिलेगी तो गाइस वो देखने को मिलेगी हमारे द फिन ब्राय वायट WWE चैंपियन बनना। हाँ गाइस WWE को इस साल के अंदर फिन ब्राय वायट को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे फिन है वो काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार है, और जो फिन का नया गिमिक है वो तो गाइस WWE ने मतलब कैसे WWE टीज किया भी देखना पड़ेगा गाइस रॉक के अंदर वो न्यू ईयर में आते या फिर कहाँ आते, पर गाइस रॉयल रंबल के अंदर उनका रैनी के खिलाफ मैच होना ही गाइस देखना पड़ेगा गाइस WWE कैसा बिल्ड करती है हमारे द फिन ब्राय वायट को, उनको रेसल मैनिया में चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर उनको नेक्स्ट कौन सा PPV के अंदर मिलता है देखना पड़ेगा, पर गाइस मेरे ख्याल से उनको चैंपियनशिप इस साल देनी चाहिए।
नेक्स्ट दिन जो हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी गाइज, देखना हमें मतलब WWE ने ये सिक चीज़ करनी चाहिए वो है गाइज एक सिनेमैटिक मैचेस। हाँ गाइज, WWE के अंदर सिनेमैटिक मैच जब भी होते हैं गाइज, WWE काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर वर्क कर दी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर दी गाइज, काफ़ी ज़्यादा एक जो है WWE की स्क्वैश होती है गाइज ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़िया मैचेस क्रिएट करे जाए, जैसे अच्छे 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 सिमुलेशन उसके अंदर ढूंढ ली जाए और उसके अंदर अच्छे से अच्छे मूवसेट हो और उसके मैच की लेंथ की बात नहीं करा पर मैं, पर जो मैच के अंदर जो है कैसे भी एक सिनेमैटिक कैसे एंगल दिखाया जाए कि जो कि नॉर्मल मैच के अंदर नहीं हो पाए और उससे रेटिंग्स बढ़े। अगर मैं बात नहीं कर रहा कि रॉस मैकडाउन पे आप ऐसे सिनेमैटिक मैचेस दिखाया जाओ, पर आप जब मनी इन द बैंक, रेसलमेनिया, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल, इसके अंदर ऐसे सिनेमैटिक मैचेस दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो WWE के अंदर थंडर डोम वाली है WWE को फैंस नहीं थी, इसीलिए WWE का ज़्यादा फायदा कुछ है उस चीज़ का, मतलब अभी आप देख लो कि जैसे फीन को आग लगा दी थी रैंडी ऑर्टन ने, WWE ने वो कैसा जो एंगल प्लान किया था पूरे, मतलब एक पहले से स्क्रिप्ट मैच था, वो टेप्ड मैच था, और इसीलिए WWE को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचता है। और 2021 के अंदर हमें एक ना एक मैच तो यहाँ पर देखना चाहिए चाहिए, बूनियाड मैच हो, स्वाम्प फाइट मैच हो, या फिर कोई भी फायरफ्लाई फन हाउस इन पर्णो मैच हो, या फिर फायरफ्लाई फन हाउस मैच ही हो, या फिर कौन से भी अलग अलग स्टिपुलेशन WWE यहाँ पर ऐड कर सकती है। और जो नेक्स्ट थिंग हमें देखने को मिलेगी वो WWE के अंदर होनी ही चाहिए और वो है गाइज बैकी लिंच का रिटर्न। हाँ गाइस, पर बेकी लिंच का रिटर्न WWE सर करवाएगी ही करवाएगी, और बेकी लिंच भी जो है काफ़ी ज़्यादा रूमर मानी जा रही है गाइस, काफ़ी ज़्यादा वो मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के अंदर भी रूमर मानी जा रही है, पर गाइस बेकी लिंच यहाँ पर मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी भी जो है उनको यहाँ पर जो है बेटी हुई है, पर गाइस यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के ऊपर इस साल तो वो आएगी आएगी, उनके ऊपर ये भी सुपर उनको बुलाते हैं, तो गाइस बेकी लिंच आने भी वाली है और गाइस बेकी लिंच इस साल हमको WWE के अंदर देखने को मिलेगी मिलेगी। और नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी गाइज ब्रॉक लेसनर का रिटर्न और उनके साथ पॉल हेमन। हाँ गाइज, WWE सर ये एंगल करवा सकती है गाइज, ब्रॉक लेसनर तो रिटर्न होनी चाहिए गाइज, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल हमने जो है ब्रॉक साल को मतलब 2020 के अंदर मतलब कल वाले साल के अंदर ब्रॉक लेसनर काफ़ी कम आए थे गाइज, वो रेसलमेनिया का सीजन पर आए थे और ब्रॉक लेसनर की डेट भी जो है लिमिटेड ही मानी जाती है और लिमिटेड में तो होती है, इसीलिए WWE इनके बीच जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ें दिखा सकती है, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करना चाहिए और गाइज माने भी जा रहे हैं उनका जो रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न होकर वो यहाँ पर रॉयल रंबल जीत सकते हैं, ड्रू मैकइंटायर को काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेंट बीट कर सकते हैं, या फिर WWE कैसे भी तरीके से कुछ भी करके यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का तो रिटर्न करवाएगी। छोटे मोटे पे भी रॉस मैकडाउन पर गाइज मेरे ख्याल से उनको जो है एक बड़े से पे के अंदर रिटर्न करना चाहिए, उनको साथ पॉल हेमन के साथ उनको अपेयर करना चाहिए, नहीं किया तो कुछ भी ऐसा फायदा नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी हमें काफ़ी तगड़े रेसलर। और ये थी गाइज ये आज की नए साल की दूसरी वीडियो, पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, अगर आई बटन पर आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, हमको इंस्टा पे भी फॉलो करो, यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब करो, ट्विटर पे भी फॉलो करो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, और कई चैनल पर नए होते यार सब्सक्राइब करके यहाँ पर हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, और गाइज आपसे यही हो कामना है कि 2021 के अंदर हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करो, जल्द से जल्दी 1K हो जाए, उसके बाद 10K हो जाए, उसके बाद 1 मिलियन वाली हमारी फैमिली रेसलिंग आर्ट की कंप्लीट हो जाए। और गाइज फिर से एक बार आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका नया साल अच्छा भी तो आप अच्छे रहो, और यही आपकी मेरी होप कामनाएं थी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।